राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोटल में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता राम ने सभी प्रतिभागियों को एमडी अभियान को लेकर अपनी सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता राम ने कहा कि देश को वर्ष 2030 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए जनपद में भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत 10 अगस्त से जनपद के सभी ब्लॉक व नगरीय क्षेत्रों में एमडीए राउंड संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया हाथीपांव वाहक मच्छर क्यूलैक्स के काटने के बाद इसके लक्षण 5 से 15 साल के बाद दिखाई देते हैं, इसलिए 1 साल से ऊपर के सभी बच्चों, किशोर किशोरियों, वयस्कों, वृद्धजनों को फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खानी चाहिए। यह दवा स्वास्थ्यकर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कर जाकर खिलाई जाएगी। स्वास्थ्यकर्मियों, आशा कार्यकर्ता यह दवा लोगों को अपने समक्ष खिलाएंगी। यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। बीमारी का कोई इलाज नहीं, एक बार ये हो जाती है तो उनका ठीक नहीं, बल्कि अब जो हम ये दवाई खिलाते हैं इसको इस बीमारी को वही पर वो करें ताकि हमारी गंभीरता ना बढ़े और हम अपना दैनिक जीवन, इसीलिए ये दवाई है। इसका संक्रमण आगे ना हो इसलिए जो है दवाई। कितनी तारीख से जिले में अभियान चलेगा और कितने लोगों को दवाई खिलाने का पूरे जिले में लक्ष्य रखा गया है? 16 लाख। पिछले वर्ष भी अभियान चलाया गया था, उस वर्ष कितनी दवाई खिलाई गई थी लोगों को? पिछले वर्ष हमने लगभग 90% लोगों को दवाई, और इस बार भी हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम 100% दवा ताकि इस बीमारी से। किस तरीके से लोगों तक आप लोग दवाइयाँ पहुँचवाएंगे, खिलवाएंगे? हमारी घर घर टीम भी जाएगी, हमारे बूथ भी बनेंगे, तो जैसे वहाँ पर दवाई खा सकता है जो वहाँ पर आएगा, और हमारी आशाएँ आंगनबाड़ी जो है हमारे घर घर जाकर किसी को भी दवा दी नहीं जाएगी, इसको खुलवा दो अपने सामने ही दवाई। पिछले वर्ष कितने मरीज थे और इस वर्ष कितने मरीज डिटेक्ट हुए हैं? पिछले वर्ष भी लगभग 15 लाख के करीब मरीज थे। हाँ, मरीज नहीं, पहले फिर उनको हमें दवाई खिलवाने के जो हमारा लक्ष्य है, और पिछली बार 164 के करीब मरीज थे, और जो हमारे सैंपल हम लेते हैं जो हमारे CSC से एक कार्ड 600 सलाइड हमारी एक सेवर को यानी कि लगभग 5,000 सलाइड हमारी जो है लखनऊ जा रही है, और वो जाने के बाद जो परीक्षण होगा उसके बाद ये डिटेक्ट होगा कि और कितने मरीज हमारे यहाँ बढ़े हैं या क्या।